आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई हम लोग बिल्डिंग नंबर 350 से है अजीजिया में। यहाँ पे सब लोग को तकलीफ हो रही पानी की, या किसी को बाथरूम की या किसी को एसी की, तो सब लोग यहाँ पे जमा हुए कंप्लेंट करने के लिए। शुरू करिए भाई। बेसिक फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं है साहब यहाँ पे। ये बिल्डिंग बिल्कुल आउटडेटेड बिल्डिंग थी, जिसको जो है सो 3 साल से रद्द किया गया था। पता नहीं किस मरहले में इस साल इसको ओपन करके हमें मुहैया कर दिया गया है। हज कमेटी से दरखास्त करते हैं कि इस बिल्डिंग को चेंज कर दीजिए हमारे लिए इमीडिएटली। ये बहुत पोसीदा दिख रही है, हर चीज इसका डैमेज है। इसको जो है ऑल्ट्रेशन करके जो है हमको दिया गया है। हर एक का एक कंप्लेंट है। बास को जो है खटके सही नहीं है, बास के जो है नला सही नहीं है, बास को पानी नहीं है, बास को पानी की तकलीफ है। और एक चूल्हा है, 36 आदमी पकाने का है। कोई रोटी डाल रहे, कोई खाना पका ले रहे, कोई सारण पका रहे। एक जने पकाए तो दूसरे जने भूखे रह रहे। हर एक की खाना बोल तो बहुत महंगा है यहाँ। ये सऊदी अरब है, मामला पूरा खराब है यहाँ पे। और हम इबादत के लिए है, इबादत नहीं हो रही, इबादत के लिए आए। और जो है बसा वाले भी क्या कर रहे हैं, एक घंटा रोक दे रहे बस वाले, बैठा के लेके नहीं जा रहे। वो सही नमाज पढ़ा रहे। बोलिए काफी मुश्किलात है और इंतहाई नाकिस नाकर्दा बिल्डिंग है, जो अनहाइजेनिक है। बहुत गुजारिश है कि बिल्डिंग चेंज करें। ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो एक एक साल बंद रहने के बाद खुलती है, जैसा दूसरों को होटल अलॉट किए वैसा होटल अलॉट कीजिए, जो रोजाना मेंटेन होती ना। 2 दिन से झाड़ू वाला है अंदर, ना सफाई वाला है। इंतहाई पानी तो नाम को नहीं है, पानी नहीं है। जनाना 3 दिन से जो है महरूम है पानी से। इंतहाई तकलीफ दे बिल्डिंग दी है। ये बिल्डिंग चेंज करिए, 350 होटल का इंतजाम कीजिए, जो रोजाना साफ सफाई होती है वहाँ पे। 280 हाजियों को आप तकलीफ दे रहे हैं, अल्लाह के पास जवाब दे होंगे इंशाल्लाह। जवाब देना जो ग्रेवियंसेस ओपन किए जा रहे हैं उनसे बिना कुछ इसल्लाह दिए क्लोज कर दिए जा रहे हैं। इसके मामले से भी आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करिए। और खुसूसन कोई अगर इंचार्ज कमेटी के यहाँ पे है तो आके इस बिल्डिंग को विजिट करिए, उसके बाद आप कुछ फैसला ले सकते हैं। आगे यहाँ हमारे और जो प्री पेमेंट जो करे थे 23 तारीख का, 16 तारीख बोले 34 साजियों को प्रॉब्लम, 24 घंटे पूरा रुका है हमारे को मदीने में। और जो है ना मस्जिद होटल चेंज कर रहे हैं हमारे को, जो प्री पेमेंट का यानी कोई लिस्ट बना के कोई भिजाई नहीं हज कमेटी से, वहाँ के टोटली वहाँ का फॉल्ट है हज कमेटी का। 34 साजियों को पूरा परेशान कर दिए, बस पूरा 24 घंटे डिले कर दिए, सब काफी परेशान हो गए, तबियत खराब हो गई। जो है ना एक 4 आदमी बोले 6 आदमी 7 आदमी को रख रहे, कैसा मैनेज करना बताइए आप लोग। बहुत प्रॉब्लम से सॉल्व करिए ला जाएंगे तो हमारा हज खराब हो जाएगा। कौन जिम्मेदार है इसके? इतने हाजियों के जिम्मेदार कौन? आप भेजते वक्त तो हर मौके पे सामने आके बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा बयान गए, और जब यहाँ मौका आया वक्त पे कोई है नहीं, हमारी बात ऊपर तक नहीं जा रही। अक्सर आप देखिए हमारे हाजी जो है वो उम्र वाले लोगों की तबीयत खराब हो जाएंगी। कौन जिम्मेदार? धूप बढ़ते जा रही, इतनी धूप बढ़ते जा रही है कि बयान के बाहर है। आगे 5 दिन हमारे हैं, उससे पहले अगर तबीयतें खराब हो जाएंगी, बेसिक चीजें नहीं मिलेंगी तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। गुजारिश है बात को समझिए और इसको जल्द से जल्द क्या की इसको तब्दील करने की फिक्र करिए। जैसा कि आपने देखा नाजरीन क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।